हेलो गाइस, वेलकम टू द 13 वीडियो हमारी जे क्यूरी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की। इस 13वीं वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह भी किसी एचटीएमएल के पैराग्राफ या हेडिंग से उसका टेक्स्ट को हम उठा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको अपनी एचटीएमएल फाइल का कोड शो करता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसकी आई डी P1 है, इनपुट फील्ड है जिसकी आई डी TVXT1 रखी हुई है, और यहाँ पर BTN1 के आई डी के साथ एक बटन है। सो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है P1, मैं आपको पहले इसको अपने ब्राउज़र में शो करता हूँ। तो इस तरह ये पैराग्राफ हम इसका टेक्स्ट जो है ये उठाएंगे और हम इसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पैराग्राफ से। मैं चाहता हूँ कि जब बटन पे क्लिक हो तो ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारे पास अलर्ट में शो हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको करेंगे। अपनी JQuery की फाइल में आते हैं और यहाँ पे मैंने बटन के क्लिक इवेंट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ़ॉल्ट उसके अंदर मैं अब बनाएंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉलर साइन के साथ सिलेक्टर की ब्रैकेट्स। इसके अंदर क्योंकि पैराग्राफ जो है उसका आईडी है P1, तो नंबर साइन P1 डॉट। अब हम यहाँ पे कोई भी, क्योंकि इसके हमने टेक्स्ट उठाना है तो जो फंक्शन यूज़ होता है JQuery का वो है टेक्स्ट फंक्शन TEXT, इसकी ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन। अभी यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल एक्स नाम रख लेते हैं उसका, और ये जो वैल्यू होगी इसकी जो टेक्स्ट होगा पैराग्राफ का वो वेरिएबल एक्स में स्टोर हो जाएगा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अब हम सिंपली इस वेरिएबल को अलर्ट में कर लेंगे, अलर्ट के ब्रैकेट्स के अंदर इस वेरिएबल एक्स को लिख लेंगे और अपनी फाइल को सेव करके हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू आती है या नहीं अलर्ट में। फाइल को रिफ्रेश किया, बटन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ का जो टेक्स्ट था दिस इज़ द पैराग्राफ वो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में हमारे पास श्योर है। तो ये था हम किस तरह से किसी भी पैराग्राफ या हेडिंग की वैल्यू को हम अलर्ट बॉक्स में शो करवा सकते हैं। ये जो टेक्स्ट का फंक्शन है ये आपके पास इनपुट फील्ड पे काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग फंक्शन होता है जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो के मतलब कोई परेशानी है या कोई मसला हो गया तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का एक अच्छा सलूशन आपको दे सकूं। सो आने वाली वीडियो तक, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय गाइस।